ये प्रेशर जो है अब उनकी तरफ से निकल के मेरी तरफ आ गया था, क्योंकि क्या हुआ कि जाकिर भाई ने तो अपना नाम कर लिया, बहुत बड़े कलाकार हो गए, अब्बा जी का तो नाम था ही। अब क्या हुआ कि लोग मुझे उनके साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि अरे अरे भाई बजा लड़का बजा रहा है। तो मेरे लिए जो तकलीफ होती थी ना कि लोग जब आकर के सुनते थे तो उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो जाती थी, क्योंकि भाई ये इनके लड़के हैं, इनके भाई हैं, ये सब। तो मेरा मेरा जो ये जो टेंशन जो अभी जो शुरू हुआ वो बिल्कुल अलग किस्म का था, कि जो कंपैरिजन करने लगे। और कंपैरिजन जब होने लगा तो आप जानते हैं कि जब कंपेयर करते हैं तो आपको आपका तो वो जो बजाना जो है ना, वो बड़े वो माइक्रोस्कोपिक तरीके से देखते हैं लोग कि भाई अच्छा, उसने ये तिहाई ठीक से ली कि नहीं, अरे ये रेला बजाया कि नहीं ठीक से, और ये दिख किया कि। वो जो मैं एज अ यंग आर्टिस्ट दैट आई नीडेड वाज नॉट देयर, बिकॉज कंपैरिजन होता था। तो अगर मैंने अच्छा बजाया तो वो बोलेंगे अरे नेचुरली अच्छा बजाएगा, आफ्टर ऑल वो उस्ताद अल्लाह रखा का लड़का है और जाकिर हुसैन का भाई है, तो वो तो अच्छा बजाएगा ही। अगर कहीं से गलती से अगर कहीं प्रोग्राम में कुछ गलती हो गई, कोई बोले अरे यार इतने बड़े बाप का लड़का है और ऐसा बजा रहा है, तो मतलब दोनों तरफ से मुझे मतलब जब मैं बुरा बजाऊं तो सारा मेरे पे, अच्छा बजाऊं तो सारा उन पर। तो ये सब चक्कर था माहौल। मगर हमारे एक खुराफात जैसे कहते हैं हम, मैंने की वो ये थी कि हमारे फादर वॉज फेमस एज उस्ताद अल्लाह रखा एंड जाकिर भाई वॉज फेमस एज जाकिर हुसैन, और आई वॉज यूजिंग माई फैमिली नेम फजल कुरैशी। उससे ये होता था कि कई जगह पर मैं जाकर के मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं वो अनाउंसर है उसको पकड़ूं और उसको बोलूं कि भाई तुम मेरा सिर्फ नाम अनाउंस करो, फजल कुरैशी, बस और कुछ मत कहना, और उसके किसके बेटे हो किसके भाई हो बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो वो ऑर्गेनाइजर बोलता अरे क्या कह रहे हैं आप इतने बड़े खानदान से हैं और आपका नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए अभी वो फिलहाल वो नाम, अभी मेरा सिर्फ आप फजल कुरैशी नाम बोलिए, फजल कुरैशी तबला प्लेयर पर, तबले पर फजल कुरैशी। तो ये देख करके मैं फिर अपना ये इस्तेमाल किया अपना नाम, क्योंकि वो नाम उनके साथ जुड़ नहीं रहा था ना। तो उन्होंने कहा कि भाई अच्छा ठीक है, तो फिर लोग आकर के सुनते रहे, अच्छा फजल कुरैशी कौन है भाई हम तो नहीं जानते मगर बजा रहा है तबला सुनते हैं। तो वो ओपन माइंडेड हो करके लोग सुनने लगे फिर उसके बाद। तो ये एक तरीके से मेरे लिए एक प्लस पॉइंट होगा कि हमारे सबके नाम अलग अलग है, कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि जाकिर हुसैन अलग है, फजल कुरैशी अलग हो गए, उस्ताद अल्लाह रखा अलग है। हालांकि हमारा फैमिली नेम कुरैशी है, हालांकि जाकिर भाई के पासपोर्ट पे है जाकिर हुसैन कुरैशी या अल्लाह रखा कुरैशी। हमारे फादर म्यूजिक दिया करते थे फिल्मों में एज ए आर कुरैशी के नाम से, अल्लाह रखा कुरैशी। तो वो अपने जब मगर तबला जब उनका नाम हुआ तो सिर्फ उस्ताद अल्लाह रखा के नाम से ही फेमस हुआ। सो दैट वन ऑफ दोस थिंग्स दैट आई यूज्ड टू मेक श्योर दैट द प्रेशर ऑन मी वाज लेस व्हेन आई एम ऑन द स्टेज, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं था। तो बातचीत होगी जब नाम होगा, जब खुलासा होगा तब पता चलेगा लोगों को कि ये है ये। मगर मैं बड़े बड़े आर्टिस्टों का भी नाम लूंगा कि जिन्होंने मेरी मदद की इस बात के लिए, कि जैसे कि पंडित शिव कुमार शर्मा हुए, हरी जी हुए, ये लोगों ने कभी ऐसा महसूस ही मुझे होने नहीं दिया कि मैं यंग आर्टिस्ट हूँ, या वो चाहते थे कि मैं बजाऊं। और मेरे ख्याल से एक प्रोग्राम भी हुआ था जिसमें शिव जी के साथ मैं बजा रहा था, और वो अनाउंसर जो थे बॉम्बे में था, अनाउंसर जो थे उन्होंने शिव जी का नाम अनाउंस किया और मेरा नाम अनाउंस नहीं किया, किसी किसी वजह से वो भूल गए। तो शिव जी ने भी कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा कि चलो, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, एक राग बजा लिया, लोग खुश हुए, ताली वाली हुई, बाद में उन्होंने माइक लिया, माइक लेकर के बोल रहे हैं कि भाई देखिए मेरे अकम्पनीज मेरे साथ जो बजा रहा है लड़का, इसका नाम अनाउंस नहीं किया गया और मैं चाहता था कि आप लोग पहले इसको सुन ले, फिर उसके बाद मैं इसका इंट्रोडक्शन देने की मैं चाहूंगा। फिर उन्होंने बोला कि भाई ये इनके लड़के हैं, इनके भाई है, तो फिर और ताली बड़ी। पर ये जो देखिए कलाकार भी कितने यू नो दे आर सो सेंसिटिव अबाउट ऑल दीस थिंग्स, कि वो कि भाई ये उनको पता है कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ और मेरे दिल में क्या हो रहा है। उन्होंने भी अनाउंस नहीं किया, उन्होंने भी एक राग बजाने दिया, वो जब बज गया और जब मेरा कॉन्फिडेंस जरा एकदम ऊपर हो गया तब जाकर उन्होंने कहा कि भाई ये इनके लड़के हैं, ये इनके भाई। सो आई आई वॉज सो फॉर्चुनेट इनफ टू हैव टू प्ले विद सच आर्टिस्ट हु अंडरस्टूड द यू नो दी द सेंसिटिविटी, कि भाई ये बहुत जरूरी होता है कि भाई आदमी लड़का बजा रहा है थोड़ा कॉन्फिडेंट हो, ऐसा ना हो कि बेचारा घबरा करके तबला ही छोड़ दे। वो काफी बार हो चुका है कई लोगों के साथ, मगर मैंने पकड़ के रखा तबले को, मैंने कहा भाई मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तो ये सारी चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती है कभी कभी, और मैंने की। नहीं
नहीं, ये हमारी आई ब्लेम माय फादर फॉर दिस. ही इज द वन हु पास्ट इट ऑन टू अस, क्योंकि वो हिमसेल्फ, वो क्या होता था ना कि कॉन्सर्ट, जब भी किसी कॉन्सर्ट अभी किसी कॉन्सर्ट में आ रहे हैं, वो आकर के जब देखे कॉन्सर्ट चल रहा है तो चुपचाप आकर के किसी कोने में बैठ जाएंगे. वो जब थोड़ा सा एक राग वाग हो गया, फिर बाद में उनको ऑर्गेनाइजर देखा, अरे उस अल्लाह रखा बैठे हैं, तो उनको उठा करके आगे ला करके बिठाते थे. तो इस किस्म के थे हमारे फादर. ही वॉज वेरी हम्बल, ही हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. आई मीन आई यू नो आई एट्रीब्यूट एवरी ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स टू हिम, क्योंकि वो इतने ही हम्बल थे जितने अभी जाकिर भाई आप देखे ना हम्बल है वो. इमेजिन माई फादर इवन मोर दैट वे. और उनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का था. ये सारी चीजें जो है ना, वो हमें जैसे विरासत में मिलती है ना, ऐसे ही हुआ है, विरासत में मिली है. हम उनको, हमारे फादर को देखा करते थे कि किस तरह से वो दूसरों से मिलते हैं. किसे हमारे उस जमाने में जब हमारे फादर जैसे कहते हैं ना कि नाम हो रहा था, तो ये घरानों का बड़ा चक्कर था कि भाई ये इस घराने से, ये उस घराने से. मगर ये चीज मैंने हमारे फादर में बिल्कुल ही नहीं देखी, क्योंकि वो त्रिखवा खान साहब का उतना ही आदर करते थे कि जितना अपने गुरु का करते हैं. वो अपने त्रिखवा खान साहब को ऑलमोस्ट अपने फादर की तरह मानते थे. हमारे घर पे आके रुकते थे त्रिखवा खान साहब दिनों दिन. और वो कहते भी थे कि भाई अरे जाकिर को कुछ सिखाइए, लड़का अच्छा बजा रहा है. तो अभी ये क्या जरूरत है उनको ये सब बोलने की? पर वो उनको इतना प्यार, तो वो क्या है कि कलाकार को देख रहे हैं. वो ये नहीं देख रहे हैं कि भाई ये किस घराने से, वो ये देख रहे हैं कि भाई ये अच्छा बजाता है, भाई ये तो कमाल के बजाते हैं, चाहे कोई भी घराना हो, मगर आदमी कलाकार कैसा है उनके लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण था कि ये देखने के भाई ये. तो ये चीजें जो है ना, वो हमारे में भी आ गई है, जाकिर भाई में भी है. जाकिर भाई स्टेज पे बैठ के सोलो बजा रहे हैं, तो दिल्ली घराने का कायदा बजा रहे हैं, तो लखनऊ घराने का बजा रहे हैं, बनारस का बजा रहे हैं. ये सारी चीजें जो है ना, वो अब्बा जी को देख देख करके ही आई. तो जाकिर भाई का ये आइडिया था कि भाई नहीं, हम लोग सब मिल करके इसको बजाएंगे और ये एक ट्रिब्यूट देंगे अब्बा जी के 100 ईयर्स का जो हमने किया था 2019 में. तो उसमें हम लोग सब थे, अकरम थे और योगेश भी था और मैं हूँ, फिर अपना सत्यजीत भी बैठा हुआ है, और यू नो सारे लोग, मतलब अलग अलग घराने के. शुभांकर, शुभांकर बनर्जी वॉज ऑल्सो देयर, एंड एंड ऑफकोर्स साबिर सारंगी भी था. वो काफी वायरल हो गया और वो ऐसा प्रोग्राम, मैं बाद में जब मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो इतना अच्छा हो गया. हम लोग काफी नर्वस थे. अभी जाकिर भाई के साथ बजाना बड़ा मुश्किल होता है. उनका क्या है कि वो कब स्टेज पर क्या कर दे कुछ पता नहीं करते. अच्छा, उसके पहले वो बताते भी नहीं है कि क्या करने वाले हैं. अभी ये देखो, ये सब सस्पेंस रखने का उनका बड़ा शौक है उनको. मैं भी कभी कभी उनके साथ कई बार बजाया. मैं पूछता भी हूँ कि भाई जाकिर भाई क्या करेंगे आप, क्या कोई बात नहीं यार, स्टेज पे देख लेते अपन. यही चीज सबके साथ हो रही थी. हमने सब जाकर के एक एक करके पूछ रहे हैं जाकिर भाई क्या करें, जाकिर भाई क्या बजाएंगे हम लोग. अरे नहीं कोई बात नहीं यार, अब वो देख लेंगे स्टेज पे जो भी होगा वो. तो आप सोच सकते हैं कि सबकी क्या हालत हो रही होगी, कि किसी ने भी कोई प्रिपेयर ही नहीं है कि भाई क्या करेंगे, क्या होने वाला है, क्या करें. मगर जिस हिसाब से वो उन्होंने संभाला सबको, जिस हिसाब से उन्होंने वो दिया वो चीज के भाई अभी तुम बजाओ अभी तुम, ये एक कलाकार की एक पहचान हो जाती है कि भाई. और हम लोग इतने कॉन्फिडेंटली बजाए हैं, आप देखा होगा आपने, बिल्कुल देखा है. कोई भी नर्वस नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने नर्वसनेस निकाल दिया हमारे दिल से, जिस हिसाब से उन्होंने हमें कहा कि भाई आप लोग बजाओ. तो ये उनकी खासियत थी कि ये वो ही कर सकते थे. मैं कह रहा हूँ कोई और नहीं कर पाता, ये वो ही कर सकते थे, और उनकी वजह से ये हम सब मिल करके बजाएं और वो कार्यक्रम इतना सफल हुआ. सही बात है. ये देखिए, सबसे सबसे बड़ी बात जो उन्होंने नहीं कही, मगर वो आप उनको देख करके समझ सकते हैं, कि अहंकार, अहंकार से दूर रहना. वो उनका उनकी उनके स्वभाव को, उनके ढील ढोल को देख करके आप समझ जाते थे कि भाई ये बिल्कुल, इसमें अहंकार नाम की तो कोई चीज ही नहीं है. और वो इतनी जरूरी होती है हमारे संगीत में कि भाई ये, और उनको बोलने की जरूरत नहीं, वो तो पता चल रहा है, उनको देख करके हम समझ गए कि भाई. इसलिए जाकिर भाई में भी वही बात है, बिल्कुल हम्बल, बिल्कुल डाउन टू अर्थ. और मतलब जितने भी बड़े कलाकार आप देखिए, एक बार मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि भीमसेन जी, हम लोग बजा रहे थे, मैं कहीं पर किसी के घर में कॉन्सर्ट कर रहा था, अचानक कोई एक आए एक और आकर के दरवाजे के पास ही बैठ गए, क्योंकि जगह ही नहीं थी, दरवाजे के पास बैठ गए और वाह 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 करके सुनाई, वहां से सुनाई दे रहा है हमें. बजाने के बाद जब हमने खत्म किया लाइट, जब उन घर में गई तो देखा तो भीमसेन जी वहां कोने पर बैठे. अब ये कलाकार
कि देखिए कितने बड़े कलाकार हैं, अब वो चाहे तो आगे आकर के बैठ सकते हैं, मगर नहीं, उन्होंने ये सोचा कि बच्चे बजा रहे हैं और उनको अच्छा भी लग रहा, तो वहां से बाबा आ रही उधर से। तो ये चीजें जो है ना बड़े बड़े कलाकारों में आपको फूट फूट कर मिलेगी ये सारी, क्योंकि वो हम्बलनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अहंकार तो उसको तो आपको तो फेंक देना पड़ेगा, दूर रखना पड़ेगा। और ही ऑलवेज यूज टू से बी ट्रू टू योर प्रोफेशन, बोले जो भी कुछ करोगे ईमानदारी से करो, रियाज कर रहे हो ईमानदारी से करो, स्टेज पर जाके बजा रहे हो ईमानदारी से बजाओ, उसमें कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। उनका ये एक बड़ा मतलब उनका था कि भाई, और उनका एक बहुत फेमस था कि भाई तबला जो है वो मेरी जिंदगी है, तबले से मैंने प्यार किया और तबले ने मुझसे प्यार किया। ये उनका एक जो था स्टेटमेंट जो है वो अभी तक मेरे दिमाग में घुसता है कि भाई जो भी चीज करो उससे प्यार करो, और जो भी चीज करो ईमानदारी से करो, और अहंकार को दूर रखो। ये जो तीन चीजें जो है ना वो मैं अपने स्टूडेंट्स में डालता हूँ कि भाई देखिए बिकॉज आई एम इन चार्ज ऑफ उस्ताद अल्लाह रखा इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक, मैं वहां पे सिखाता हूँ, तो मैं ये तीन चीजें उनको बोलता हूँ कि भाई आए तो हो सीखने के लिए, मगर ये सबसे पहले ये तीन चीज सीखो, फिर उसके बाद मैं तबला बजाना सिखाऊंगा आपको। तो ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्री थिंग्स दैट आई हैव लर्न फ्रॉम माय फादर। हाँ कभी कभी कहता है कि यार मेरे मुझे तो कम से कम ठीक ठाक रखो यार, अपने आप को ठीक ठाक रखे हो अपने मेरे तो मुझे भी रखो। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी अरे तबला तो अभी देखिए, जैसे मैंने कहा कि भाई तबले से तो आपको प्यार करना ही पड़ेगा जैसे हमारे फादर कह रहे थे, मगर एक चीज मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मैं जब बचपन में जब मैं क्रिकेट तो खेलता था, मगर मेरे फुटबॉल वगैरह वगैरह सबसे पहला नाम मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, वो इसलिए आया था क्योंकि मैंने अपने स्कूल के लिए फुटबॉल में गोल स्कोर किया था, तब आया था नाम कि भाई फजल कुरैशी हैज स्कोर्ड अ गोल फॉर दिस। तो सबसे पहला नाम मेरा आया खेलकूद के लिए आया हुआ था। पर तबले का ख्याल रखना भी, ये भी हमने अपने फादर से सीखा है, बोले वो अपना जब देखो तब वो तबला खोल के देखेंगे भाई इसमें अरे यार शियाई थोड़ी सी गड़बड़ हुई, जरा बुलाओ उसको। तो वो तबला प्लेयर एक हमारे तबला मेकर जो है हमारे फादर के थे, वो अभी गुजर गए, वो आ जाते थे अपना सारा सामान लेकर के भाई ये तबला देखो इसका शियाई थोड़ा सा ये हो रहा। तो वो ये रखना भी बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगा कि जो यंग हमारे जो सीखने वाले वो पहले याद रखें कि भाई सांस को आप इग्नोर मत कीजिए। लोग है ना उठा करके ऐसे साइड में रख देते हैं कि भाई वो इसमें सांस तो है, मगर वो क्योंकि ये मेड फ्रॉम स्किन वगैरह वगैरह उसका बहुत हमें ध्यान रखना पड़ता है। गर्मी में वो उतर जाता है, सर्दी में वो चढ़ जाता है, और उसके फटने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो कीप इट एट अ वेरी नॉर्मल एंड यू नो कंफर्टेबल टेम्परेचर, ताकि और पैक करके उसको अच्छी तरह से रखे ताकि वो इट लास्ट अ लिटिल लॉन्गर। तो ये सारी चीजें हमारे फादर ने हमें बताई, और वो तबला मुझे कई बार मैं इसलिए क्योंकि आज कार्यक्रम है मैं खोल के रखा हुआ हूँ, देखूं कि यहाँ ठंड है, बॉम्बे में तो गर्म है, अभी वाराणसी में इतनी ठंड है कि पूछो मत। तो उसको मैंने कहा कि भाई जरा थोड़ा एक्लेमेटाइज हो जाओ थोड़ा तबले को, क्योंकि वो बाद में क्या होगा कि जब स्टेज पे जाएंगे तो चढ़ेगा, ये भी एक बड़ा मतलब। तो खोल के रखा हुआ है ताकि वो अक्लेमेटाइज हो जाए और फिर बाद में मुझे तकलीफ ना दे, ये है चक्कर। आखिरी सवाल मेरा ये है कि जाकिर भाई ने तो फिल्मों में भी हाथ आजमाया और आप भी मतलब आजमा सकते थे, आपने नहीं कोशिश की? एक ही काफी है। जाकिर भाई ने तो सारी चीजें आजमा ली। उनको तो एक किस्सा वो जाकिर भाई ने खुद बताया कि जब वो छोटे थे तब ये 1961 में जब वो आई मुगले आजम, तो वो फिल्म की छोटा सलीम कौन बनेगा वो उसके बारे में काफी चर्चा हो रही थी। वो अब्बा जी जो थे वो महबूब खान साहब जो जिन्होंने फिल्म बनाई के आसिफ के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने देखा, बोले भाई तुम्हारा लड़का यार अच्छा लग रहा है, इसको तरह स्क्रीन टेस्ट करवा लो, इसके लिए ये यंग सलीम का रोल कर लेगा। तो जाकिर अब्बा जी ने कहा कि चलो यार स्क्रीन टेस्ट में क्या है, तो जो होगा सो देख लेंगे। अच्छा स्क्रीन टेस्ट में वो सिलेक्ट भी हो गए। अब जब सिलेक्ट हो तो अब्बा जी जरा घबरा गए, बोले यार ये तो इसकी लाइन बदल रही है, ये तो तबला बजाने वाला था, अब स्क्रीन टेस्ट भी इसका हो गया सही। तो उन्होंने मना कर दिया उस वक्त कि भाई नहीं 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 ये नहीं होगा। तो वो जलाल आगा जो मतलब आगा साहब के जो लड़के उसने किया इनके बचपन करो, वो जाकिर भाई को भी चांस था उसका उस वक्त बनने का। ये आप सोचिएगा। तो
मैं देखिए, मैं मेरा अभी फिलहाल तो यही है कि भाई तबला बजाओ और तबला बजाओ और थोड़ा सा और ज़रा तबला बजाओ, तो अब इसी पर मेरा ध्यान है और इसी पर रहे तो अच्छा है। तो मैंने, जैसे मैंने कहा कि एक काफ़ी है कि इन्होंने कोशिश की हर चीज़ में उन्होंने, वैसे मैं फिल्म में म्यूजिक दे चुका हूँ और देता, और क्या कहते हैं ना कि बैकग्राउंड स्कोर भी करता रहता हूँ, जिंगल्स भी बजाता हूँ, जिंगल्स का भी करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें चल रही है म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक कंपोज करने का मुझे ज़रा शौक है, तो मैं ये चीज़ें भी करता रहता हूँ। मगर एक्टिंग का जरा मुझे मालूम है कि मेरी कितनी क्षमता है, कितने कितना टैलेंट है मेरे में, मैंने कहा वो दूर रहूं तो ज्यादा अच्छा है।